कैंसर का इलाज हुआ अब पेनलेस और ऐसा संभव हुआ साइबर नाइफ S7 से। देश की पहली साइबर नाइफ S7 मेरठ के मवाना रोड स्थित वैलेंटाइन कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए स्थापित की गई है। मेरठ पुलिस युवाओं को जबरन अपराधी बनाने पर तुली हुई है। बाइक में खुद तमंचा रखकर उसे अंकित त्यागी से बरामद दिखाते हुए गिरफ्तार कर हवालात में सलाखों के पीछे धकेल दिया गया। दिलचस्प तथ्य यह भी है कि बाइक में तमंचा रखने की ऐसा घटना वहां अंधेरे में लगे सीसीटीवी में कैद भी हो गई। सीसीटीवी में साफ देखा जा रहा है कि किस तरह एक सिपाही अपनी शर्ट से सफेद कपड़े में लिपटा हुआ तमंचा निकालकर बाइक के बैग में रख रहा है। इसके बाद बरामदगी की बकायदा वीडियो भी पुलिस बनाती है। रोती बिलखती घर की महिलाओं ने आईजी का दरवाजा खटखटाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। रात भर महिलाएं आईजी के दरवाजे पर रोती और बिलखती रही। सुबह आईजी के निर्देश पर पुलिस हरकत में आई और गिरफ्तार अंकित त्यागी को कोरे कागज पर जबरन साइन कराकर छोड़ दिया। विभागीय लोगों को बचाने की जुगत में लगे पुलिस अफसरों ने दोनों आरोपी सिपाही को सिर्फ लाइन हाजिर कर दिया है, जबकि इस करतूत के लिए परिजन उनकी बर्खास्तगी व गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। आज उत्पीड़न का यह मामला त्यागी बिरादरी से जुड़ा होने के कारण राष्ट्रवादी जनसत्ता दल भी मैदान में कूद गया है। इस दल के अध्यक्ष श्रीकांत त्यागी हैं। दल का कहना है कि पुलिस त्यागी समाज के युवाओं को अपराधी बनाने पर तुली हुई है, जो स्वीकार्य नहीं है। इस बीच आज मेरठ पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि योगी सरकार में निर्दोष फंसेगा नहीं, जबकि दोषी बचेगा नहीं। पहले देखिए खरखौदा थाना पुलिस के शर्मसार करने वाली करतूत। थोड़ी सी फोन को पीछे रखिए, वो साथ ही कैमरे में आएगा तुम्हारा। आज फर्स्ट बाइट टीवी की टीम ने खरखौदा थाने के खंदावली गांव में पीड़ित परिवार से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान घर की महिलाओं का दर्द आंख से बहते आंसुओं में साफ छलकता नजर आया। किस तरह भाई को खुद तमंचा रखकर कैसे फंसाया गया, इसके सिलसिलेवार जानकारी बहन राखी त्यागी ने कुछ इस तरह से दी। राखी का यह भी कहना है कि पुलिस अब उनसे DVR मांग रही है, ताकि पुलिस कर्मियों के खिलाफ ये सारे सबूत मिटाए जा सके। अंकित त्यागी की मां का दर्द भी कुछ इस तरह से बाहर आया। मेरे बच्चे को धक्के मार मार के ले जा रहे थे पुलिस वाले, मैं बाहर खड़ी हुई, उसके पापा खड़े हो गए। हमने कही ऐसे मत ले जाओ हमारे बच्चे को, फिर वे एकदम ले गए घसीट के, वो बीच में बैठा लिया दोनों, एक पीछे बैठ गया एक आगे बैठ गया। मैं बेहोश हो गई थी। फिर ये मेरे बच्चे के साथ अन्याय हो रहा है, और जो मेरे बच्चे को न्याय नहीं मिला, मेरा बच्चा जान दे देगा उसी दिन। ये मेरे बच्चे ने कह दिया जो मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो मैं अपनी जान दे दूंगा। मेरे बच्चों को फंसाया जा रहा है, मैं आपसे हाथ जोड़ कर कहती हूँ। मेरठ पुलिस अधीक्षक कमलेश बहादुर ने राखी त्यागी से सीसीटीवी फुटेज के बारे में बात की तो यह नजारा सामने आया। आप सुनिए सर, आप घर आए थे मेरे, आपने DVR चेक करा सारा, एक एक छोटी छोटी पॉइंट व्यू आपने चेक करी। नितिन सर थे, आप थे, एक महिला कांस्टेबल थी। तो आपको, आपने जो फुटेज हमसे मांगी वो हमने आपको फुटेज दे चुके हैं। बाकी सर मैं कल सुबह आऊँगी, अभी मेरे बेटे की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, मेरे भाई की तबीयत खराब है, तब मैं आपको दे पाऊँगी। मेरे घर में कोई नहीं है, ताला लगा पड़ा है।
नहीं सर, डिलीट नहीं। हाँ वो सर मैं आपको सुबह बताऊंगी। सर सुनिए, फोटेज मुझे मेरा मानना ये है, जैसे आप हमारी फोटेज नहीं ले रहे हैं, उन पुलिस कर्मियों का आप CDR क्यों नहीं ले के बात कर रहे हैं कि जिन्होंने वो ले लिया, तो सर उस पर कार्रवाई करो ना, और जो कार्रवाई उस पर करो, जो सफेद कपड़े में उसने तमंचा रखा है वो कार्रवाई करो। नहीं, हाथ नहीं डाला, वो सीधा तमंचा डाला। ये तो IG साहब ने खुद, सुनो ये तो सुनिए, ये तो IG साहब ने खुद कहा है कि वो आरक्षी इस बाइक में व्हाइट कपड़े में कुछ डाल रहा है। वो तो खुद IG साहब ने कहा है, आपको फुटेज दिखा रहे हैं, अखिलेश यादव खुद ट्वीट कर रहे हैं आपको, और अपनी जान दे के हम फुटेज दें। बताओ दे चुकी, क्यों नहीं देखा जा सकता सर? और इस बीच अंकित त्यागी ने फर्स्ट पार्ट टीवी संवाददाता जिया से यह कहा। मेरा नाम अंकित त्यागी है और तो आपके साथ क्या मामला हुआ है आप बताइए। मैं शाम को अपना बैच एज यूजुअल जैसे लेता हूँ, उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था। सडनली एक पुलिस वाला आता है और मुझे उठा करके जबरदस्ती ले चलने लगता है, और वो मेरी बाइक का बैग ओपन करता है और उसमें से एक तमंचा निकालता है और मुझसे बोलता है कि तुम तो तमंचे की तस्करी करते हो। मैंने कहा सर ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और मुझे ज़बरदस्ती बाइक पे बैठा कर सर थाने ले जाते हैं। उसके बाद सर पूरी रात मुझे टॉर्चर किया गया। रात करीब 1 बजे मुझसे एप्लीकेशन पे साइन कराया गया, उस पर कुछ नहीं लिखा हुआ था। अगर कैमरा नहीं लगा होता तो आज मैं क्रिमिनल कहीं ना कहीं होता, और मुझे साबित करने में खुद को पता नहीं कितने साल बीत जाते, मेरा करियर ख़त्म हो जाता। मुझे भी कहीं ना कहीं फील आता है कि मेरे साथ में क्या हो रहा है। मेंटली अभी भी परेशान हूँ, लेकिन कोई मेरी सुन नहीं रहा है। योगी जी पे मुझे पूरा विश्वास है। मैं नहीं चाहता इसमें कोई पार्टीबाजी हो, मैं ये चाहता हूँ कि सभी आवाज़ उठाएं, सच की आवाज़ उठाएं, साथ दें। योगी जी मेरे इस मामले में संज्ञान लें, और ये जो भी क्रिमिनल हैं, पुलिसकर्मी हैं, या जिनके संज्ञान में और भी हैं, जो SHO सर हैं राजीव कुमार, SI अनिल कुमार और 2 कांस्टेबल दिनेश और संतोष, उन्हें तुरंत हिरासत में लिया जाए, उन्हें बर्खास्त किया जाए और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई हो, मुकदमा दर्ज हो। उधर अंकित त्यागी के घर पहुंचे राष्ट्रपति जनसत्ता दल के जिलाध्यक्ष वितुल त्यागी ने फर्स्ट पार्ट टीवी से यह कहा। मैं राष्ट्रपति जनसत्ता दल का जिलाध्यक्ष वितुल त्यागी हूँ। तो हम सब लोग संज्ञान में, तो बड़ी बात ये, तो सबसे बड़ी बात सोचने वाली बात ये है जी कि बगैर थाने इंचार्ज की मर्जी के कैसे हो गया कि बच्चा पूरा थाने बंद रहेगा, और खाली जो हेड कॉन्स्टेबल पर कार्रवाई करके ये कैसे इंसाफ मिलेगा इस बच्चे को। तो हमारी पार्टी इसका भरपूर विरोध करती है और इनके परिवार के साथ है। सारा हमारी पार्टी आदरणीय जो हमारे श्रीकांत त्यागी जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने SHO साहब से बात की थी डायरेक्टर, उन्होंने तो उन्होंने ये कहा कि जाँच चल रही है, हम इंसाफ करेंगे। तो पीड़ित परिवार के साथ है सारा परिवार हमारा, सारी पार्टी, और हम सब लोग इनके इंसाफ के लिए लड़ेंगे, बिल्कुल पूरी पार्टी तन मन धन से लड़ेगी। युवा मोर्चे के महासचिव शुभम त्यागी का भी यह कहना था। समाज के लोगों को अपराधिकरण किया जा रहा है, हमारे समाज के जो युवा हैं, ऐसी सहारनपुर में भी देखने को मिला, और ऐसी हम मेरठ में तमंचा रख के सरकार द्वारा और प्रशासन द्वारा हमारे समाज के युवाओं को अपराधी बनाया जा रहा है, जिससे कि ना ये राजनीति कर सके, ना इनकी राजनीति में भागीदारी हो सके और ना इनकी समाज में भागीदारी हो सके। इसलिए हमारे समाज के जितने भी युवा हैं सबको अपराधी बना रही है सरकार जानबूझ के और प्रशासन भी। इसका जो मतलब वीडियो बनाई गई है, ये आपने सीधा सीधा देखा है कि कैसे पुलिसकर्मी एक रिवॉल्वर लेके उसमें रख रहा है उसकी बाइक में, और ये प्रूफ में भी हो चुका है। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, जहाँ जहाँ हमारी ज़्यादा संख्या है वहाँ हमारे समाज के जितने भी युवा हैं सबको अपराधी बनाया जा रहा है, और इसकी लड़ाई श्रीकांत त्यागी जी अपने तरीके से लड़ रहे हैं और समाज के अन्य लोग भी लड़ रहे हैं। इस बीच मेरठ पहुंचे डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य ने इस घटना को बेहद गंभीरता से लिया। उन्होंने इस मौके पर यह कहा। कानून का राज है, लेकिन यहाँ पर DM बनने वाले बच्चों को अपराधी बनाया जा रहा है। मामला है वो पर्टिकुलर एक दो मामले से
25 करोड़ से प्रदेश का आप आकलन नहीं कर सकते। अगर कोई गलत करेगा उसकी भी जांच करके, कोई निर्दोष फंसेगा नहीं, कोई अपराधी बचेगा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मेरठ को खरखोदा की हुई घटना जिसमें दो पुलिसकर्मी तमंचा रखते हुए मोटरसाइकिल में वीडियो में दिखाई देते हैं, उसकी बात कप्तान से कहा कि इस प्रकार का एक ट्रेंड पुलिस ने जो मेरठ में अपनाया है कि तमंचा घर में रखो और पैसे की वसूली करो, ये बहुत खतरनाक है और सरकार की इसमें बदनामी हो रही है। तत्काल प्रभाव से इस पर प्रतिबंध और ऐसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए गए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट। नमस्कार।